तो आप देखिए गांव का सुबह सुबह का प्राकृतिक नज़ारा। तो मैं आप आपको दिखा रहा हूँ गांव का लाइफस्टाइल वाला ब्लॉग। यहाँ के लोग कितने जल्दी उठते हैं सुबह, अभी जैसे ठंड के दिन है और कभी मॉर्निंग में 6:30 बजे हुए हैं, तो फिर भी यहाँ के लोग करीब जो मॉर्निंग की आदत है उनकी 4 या 5 बजे उठने की, वैसे उठते हैं। सामने मंदिर है तो वहाँ पूजा पाठ स्टार्ट हो जाती है। और अभी ठंडा काफ़ी बढ़ गया है, मेरी तो खुद की सांस फूल ली है इसकी वजह से। और आप देख सकते हैं ये सामने बड़ा सा मकान, और ये वाला एक मकान देखिए ये, और मेरे ठीक सामने यहाँ पर देखिए ये वाला। ये तीनों मकान गांव के सबसे बड़े मकान हुआ करते थे, मतलब इसमें करीब जो सामने वाला मकान है उसमें के 16 कमरे हैं और इसमें करीब हैं 24 कमरे, और जो ये वाला है ये गांव का सबसे बड़ा मकान है, इसमें है आपके 33, इसे 33 रूम है पूरे। तो ये सब पलायन की भेंट पे चढ़ गया होगा गांव में। अभी गांव में सिर्फ जवान लोग भी नहीं रहते हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा लोग रहते हैं अभी फिलहाल, वो भी मेरे साथ ही रहते हैं लेकिन आते गांव में। और ऐसे ही जितने आप घर देख रहे हैं सब जगह जवान लोग बहुत कम रहते हैं, सब लोग क्योंकि नौकरी की तलाश में बाहर है। यह है कुछ मॉर्निंग, अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइफ स्टाइल ऑफ विलेज, यहाँ के लोग क्या क्या काम करते हैं दिन भर। सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग। तो मैं पहुँचा हूँ दिवाली में अपने गांव, तो आज आपको दिखा रहा हूँ अपने गांव की पूरी लाइफस्टाइल, कैसे यहाँ के लोग जीते हैं और क्या क्या कितना सर्वाइव इनको करना पड़ता है पूरे अपने लाइफ में जीवन व्यापन के लिए। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के गांव की पूरी लाइफस्टाइल। अभी क्या है सुबह के करीब 8 बजे हुए हैं और यहाँ के लोग जल्दी उठते हैं, मेरी मम्मी उठ गई है, पापा उठ गए हैं, बगाली अंकल उठ गए हैं, सब लोग सुबह 5 बजे उठते हैं। उसके बाद इनका काम रहता है 7 बजे से बंदर भगाने का। अब देखो बंदर यहाँ पर इतने ज़्यादा हैं कि अभी जिनके जो भी हैं जैसे खेत पर लगाया हुआ है, देख रहे हैं आप इधर लाई ला रखी, उधर मेथी, थोड़ी बहुत बेल अभी बची हुई है लौकी की, ऐसा कुछ उन्होंने भी ऐसे अपने खेत पर लगाया है, पालक वगैरह सब कुछ। तो ये अभी बंदर आए हुए हैं तो सब कुछ नष्ट कर देंगे। ये कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल है, ये लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उसके बाद पूरे दिन भर इनका काम होता है बंदर भगाने का, ताकि अपने खेत की सब्जी वब्जी को बचाया जा सके। ऐसे यू करके, मतलब यू बोलते हैं, यू मतलब तुम या मैं, हाँ कुत्ता चाहे कुछ भी बोलो, तो उसको यू करके जो पूरे गाँव वाले चले जाते हैं। और आजकल पटाखे हैं, दिवाली का मौसम है, इसलिए क्या है कि थोड़ा पटाखे से बंदर को डराया जा रहा है, लेकिन डरते नहीं है बिल्कुल भी। कुछ लोग को काट भी चुके हैं यहाँ पे, मतलब गाँव में बंदरों का कुछ आतंक ऐसा है। तो आप देखो ये है मेथी, अभी छोटी हो रही है लेकिन यहाँ की मेथी की खुशबू बहुत अलग होती है, पहाड़ की मेथी की खुशबू, इससे मतलब उस जो सब्ज़ी बनती है उसका स्वाद भी थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें काफ़ी रस होता है। और आप देखो इधर और की लाई, ये यहाँ पर लाई और की है ऐसे, और ये हुआ है पहाड़ी धनिया, इसकी खुशबू से ही मतलब आधा तो खाने का जो जायका होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। और यह है पहाड़ी पालक, यह पहाड़ी पालक की क्यारी, उधर भी लाई लगी हुई है। तो अभी जाड़ों के टाइम पर जो हरी सब्जियाँ होती हैं वो भरपूर होती हैं, ऐसे कुछ सजे हुए खेत हैं। आज सुबह मॉर्निंग में बारिश हुई है तो उसकी वजह से थोड़ा नज़ारा काफ़ी अच्छा है। यह है उत्तराखंड के गांव की लाइफ स्टाइल, जो अपने लिए सब्जी उगाते हैं। इधर गोभी भी लगी हुई है, ये पत्ता गोभी है ना, ये पत्ता गोभी भी लगी हुई है साथ साथ में। और गांव की लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा ये भी है, अभी दिवाली के टाइम पे लोग रॉकेट वॉकेट जलाते हैं, तो अभी किसी ने दिन में रॉकेट वगैरह जलाया तो ऐसा हुआ कि घास के लूटे ऐसे लग बने रहते हैं। तो ऐसे क्या है कि यहाँ पर 2 लूटे के ऊपर कोई रॉकेट आके आग लग गई, इसकी वजह से पहले हम लोगों ने पूरी आग सही से बुझाई है, इतनी सारी घास हमने अभी बचा ली है क्योंकि ये घास बहुत मेहनत से कटती है। तो सब लोग अभी लगे थे, पानी लाए चारों ओर से और ये सब कुछ बुझ गया है। तो ये भी एक मतलब गांव का एक हिस्सा है, देखो गांव में कितना ट्रबल है। अब की पानी यहाँ से करीब 200 मीटर दूर है जो नौला है पानी का। तो गाँव की लाइफ स्टाइल का एक झोंका ये भी है, अभी आप देखें ना सामने बादल छा चुके हैं, अभी दिवाली का टाइम है तो अभी जो बारिश होगी इसके बाद यहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पूरा जंगल है चीड़ का, यहाँ पे जो होता है ग्रीन कलर के जो पेड़ होते हैं इनको काटना मना है, अगर कोई पेड़ सूख के गिर जाता है तो गांव वाले उसको काटते हैं। फिलहाल मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ आग लाने के लिए लकड़ियाँ। तो ऐसे ये आप देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं ठीठा बोलते हैं इसको पहाड़ी में। तो ये जो चीड़ के पेड़ का फल होता है ये, तो मैं ये इकट्ठे कर रहा हूँ फिलहाल,
तो इससे क्या होगा कि कुछ कुछ दिन के लिए अलग आग मिल जाएगी हम लोग को, क्योंकि ये सूखा है और अभी बारिश होगी तो ये सब पानी जैसे गिरता है ना इसमें, तो ये क्या होता है कि बिल्कुल बंद हो जाता है। मैं मॉर्निंग वॉक में जंगल की ओर आया था तो मैंने सोचा कि ये भी मैं अपने लिए बीन के लिए जाऊँ, ताकि मम्मी पापा लोग की हेल्प हो जाए इसमें, उनको लाने की ज़रूरत ना पड़े। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ ये, फिर देखता हूँ मुझे कितने मिले। तो फिलहाल मेरे को इतने यहाँ से मिले हैं, कुछ मेरे पहले से भरे हुए हैं इसमें एक कट्टे में, ठीक है। अब मैं वापस जाऊँगा नीचे को तो पूरा फिल हो जाएगा। तो मेरा तो मॉर्निंग वॉक के सारे मैं अपने गांव के जंगल पहुँचाऊँ। पहले से हम लोग यहाँ पे गाय खाने आते थे, लेकिन अभी फिलहाल गाय तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि कुछ साल पहले गाय हमने बांधना छोड़ दिया था, क्योंकि मम्मी पापा लोग मेरे साथ प्लेन्स में रहते हैं इसलिए। लेकिन अभी वो जाओ के टाइम में यहीं रहने हैं कोरोना की वजह से, तो उनके लिए मैं थोड़ा लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूँ। ये रोज़ का रूटीन है, रोज़ मॉर्निंग में आता हूँ तो एक कट्टा अपना भर के यहाँ से लेके जाता हूँ। ऐसे ही थोड़ा हो जाएगा कि 2-3 महीने के लिए उनका काम बन जाएगा। यहाँ मेरे पूरे 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 पीछे देख रहे हैं गांव का जंगल है, यहाँ बाघ भी आते हैं और मैं अकेले इस जंगल में से घूम रहा हूँ। तो दिवाली में सजे कुमाऊँ में मतलब सब जगह ये उखल होता है, ये उखल है जिसमें सब लोग अपने धान वगैरह कूटते हैं सामान। तो यहाँ से सीधे डायरेक्ट मंदिर की ओर को उसे लक्ष्मी का स्रोत माना जाता है ऐसा कुछ है, क्योंकि वो अन्न का स्रोत भी है, क्योंकि अन्न हम उसमें वो कर रहे हैं। और यहाँ से लक्ष्मी के पांव ऐसे मंदिर की ओर को बनाए जाते हैं, कि जो घर के अंदर मंदिर है। अभी यहाँ पे इसमें बने हुए हैं, ये सब हमने रेड पेंट किया हुआ है। पहले यहाँ पर जो यूज होता था वो होता था लाल रंग का गेरू और आटे के चावल का आटे, जहाँ पे अभी पेंट वाइट रंग का है वहाँ पे आटे का चावल का पिसा हुआ मांड हम लोग बिस्वार बोलते हैं इसको, वो यूज करते थे। और नीचे लाल रंग के गेरू के मिट्टी से लाल रंग का किया था। लेकिन अभी क्या ट्रेडिशन पहाड़ में थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि फैशन है कुछ नया, तो अब ऐसे लाल रंग के पेंट करने लग गए और इस पर पेंट लगा रहे हैं। अभी निधि लगा रही है, फिलहाल निधि बना रही है यहाँ पे, ये निधि बना रही है पेंट के ऐपन, सुबह से काम पे लगी हुई है। ये इतना अपना पूरे औजार रखे हुए हैं यहाँ पे, तो आप ये देख रहे हैं बिल्कुल ये है, क्योंकि ये जो दिल्ली है ना सीमेंट की बनी हुई है, तो इसलिए इसमें पेंट के ऐपड़ हुए हैं। जैसे अमूमन हम लोग के गाँव में क्या होता है कि ये पाल वाला घर होता है, यानी मिट्टी वाला घर, इसे बार 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 गाय के गोबर और मिट्टी से लीप लीप के इसे मतलब सही करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ऐपड़ दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं ये मम्मी ने दिए हुए हैं, क्योंकि ये नए बच्चे भी जानते नहीं है ऐपड़ देने, वो पेंट वाले देते हैं। तो ये वाले जो ऐपड़ हैं, ये जो वाइट रंग है ये आपके चावल के आटे का है, और जो नीचे लाल रंग की मिट्टी है वो जो गेरू होता है गेरू से यूज किया गया है। दीपावली से पहले ऐसे हम लोग धान को इस कढ़ाई में मतलब ऐसे कढ़ाई में अभी वो किया हुआ है, हल्का का फ्राई किया हुआ है मतलब धान को, और अब यहाँ पर धान कूटे जाएंगे इस ओखल में, जिस ओखल से मंदिर के लिए पूरे लक्ष्मी के पाँव जाते हैं उस ओखल में धान कूटे जाएंगे। और भैया दूज के दिन ये जो चूड़े हैं इसको सारी बहनें अपने भाइयों के सर पर रखती हैं, जैसे आप इसे पोहा बोलते हैं वहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ के जो धान होते हैं उनका जो चावल का कलर होता है वो रेड होता है, तो ऐसे कुछ ये कूटे जा रहे हैं यहाँ पे। हमारे गांव की चाची हैं ये कूट रही हैं, एक चाची उनकी हेल्प कर रही हैं, और उधर बैठी हैं ताई जी। ताई जी कुछ बताओगे आप इसके बारे में, चूड़ के बारे में बताओ कुछ। और अच्छा डालते हैं इनको, हाँ होती है एकादशी के दिन ये धान लाकर इनको डालते हैं, उसके बाद ये गोवर्धन पूजा के दिन इनको कूटते हैं। अच्छा भैया दूज के दिन इनको बहने भगवान के मंदिर में चढ़ाकर फिर बहने भाई के भैया दूध बनाते हैं। तो पहले से तो आप पुराने टाइम पे जो चक्किया नहीं होती इसी में ही कूट के चावल भी बनाते होंगे। अच्छा अच्छा लेकिन अब तो खेती बाड़ी सब बंद होगी, तो आपके धान इतने ही हुए थे क्या इस बार? बहुत है। अच्छा 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 अब इनको ऐसा साफ किया जाएगा। ये है सूपा, हाँ इसे सूप बोलते हैं, सूप में थोड़ा ये इन्होंने साफ कर दिया, इससे
इसके बाद एक कल हाँ भैया दूज के दिन चलाया जाएगा भगवान को, और बहनें अपने भाइयों के सर पर रखेंगी। तो अब मैं पहुँचा हूँ दूसरे वाले घर में, यहाँ हमारी भाभी हैं। तो ये अभी इन्होंने चूल्हा बना रखा है लकड़ी का, और ये अभी ये इन्होंने देखो ये धान पहले भिगाए हुए थे ऐसे, और ये ऐसे यहाँ पे धान को अभी कढ़ाई में फ्राई नहीं कर रही है, मतलब खाली गर्म कर रही है, मतलब कढ़ाई में गर्म कढ़ाई में धान डाल दिए इन्होंने। लेकिन अपने ओखल में इन्होंने अभी एप्पल नहीं दे रखे हैं, कह रही एकादशी के दिन दूंगी। तो इसके बाद अभी इसमें डाल दिए गए हैं, देखो अभी डाल दिए गए हैं धान ऐसे ऐसे कूटे जा रहे हैं, फिर इसके बन जाएंगे चूड़े। ये धान आपके खेत के और के? हाँ, हमारे खेत में हो रहे हैं। कहाँ कौन से खेत में हुए थे? विजयपुर कहते हैं। अच्छा, यहाँ तो गांव वालों ने खेती बाड़ी सब बंद कर दी है, हमने खोल रखी है। अच्छा, हमारे भट भी हो रहे हैं, तिल हो रहे हैं। तो भट मेरे को भी देना 4-5 किलो, देने लायक नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये देखो देने की बारी आई तो देने लायक नहीं हो रहे हैं, थोड़े से हुए। अच्छा, और धान कहते हो तो चूड़े हो रहे हैं। अच्छा, धान कितने किलो रखे हो रखे हैं? 100 किलो 100 किलो हुए होंगे अभी। अच्छा, फिर तो ठीक है, 100 किलो हुए हैं। तो मन वीडियो बनना, यहाँ बोलने का हो रहा, यहाँ थोड़ी हो रहा बोलने का काम। तो पहाड़ी में नहीं बोलते आप? हाँ, किले नहीं बुलान, पहाड़ी में बुलानो तो सुन। हमारे धान हरियाणा हम इन्हें कूटनो, कूट फिर चूड़ बनो ये, और फिर सब भोग फार्म धरो ना। अच्छा, सब उनको लाल दसे, लाल भगवाई, भात खाए, और खूब फूलिए फैलिए बच रहे, ये सुन। यहाँ तो ब्याह नहीं होना था। तो ऐसी कुछ होती है गाँव में बाखली, ये बाखली जिसे बोलते हैं वो एरिया होता है जिसमें एक लाइन पे बहुत सारे मकान हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे एक लाइन में बहुत सारे मकान हैं, उस मकान में कोई रहता है इसलिए वो काफ़ी नया लग रहा है। ये मैं जो रहता है वो उसने पलायन कर चुका है, तो ये पुराना हो गया था, टूट गया है। तो ऐसी कुछ होती है बाखली गांव की, जो कुमाऊं के मतलब विलेज होते हैं, उत्तराखंड के विलेज। तो ऐसी होती है गांव की गौशालाएं जिसमें हम लोग गाय को बांधते हैं। अभी उठे नहीं होना, गाय का दूध निकालते हुए आपको मैं दिखाता हूँ। और ऐसे ही गाय के गोबर को की खाद खेतों में डाली जाती है, तो ऐसे सारा गाय इकट्ठा किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी ऐसे सब लोग को मतलब बनाने के लिए दे दी है, कंपोस्ट पिच जिसे बोलते हैं, तो इसमें डालेंगे इससे खाद आज बनेगी, ऐसा कुछ गवर्नमेंट का अभी हिसाब किताब है। तो आप देख सकते हैं मेरे घर में इतने सारे कद्दू लगे थे, मतलब अभी और भी हैं थोड़े, कुछ और वाले उधर बगल वाले में रखे हुए हैं। तो ये 3-3-6-7 कद्दू ये हैं, करीब 12-13 कद्दू और हैं। तो ये आप पूरे साल भर खाने के काम आएंगे, बरसात का फ्रूट है। अब ये पीला हो गया है, तो पहले हरा कलर का खाते थे, अब इसे खाएंगे हम लोग पूरे साल भर। पहले से गाय को भी खिलाते थे, लेकिन अब गाय तो है नहीं, तो हम ही लोग को खानी पड़ेगी, और लोगों को बांटेंगे कुछ मकर संक्रांति के दिन बांटने पड़ते हैं। जैसे प्लेन्स में अभी बोला था, हमारे यहाँ से पिंडालू बोलते हैं, हमारे घर पे इतने पिंडालू भी लगे हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये पिंडालू हैं, अरबी की तो होता है, थोड़ा अरबी से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन स्वाद काफ़ी अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे घर के पेड़ पर आके बहुत सारे नींबू, जिसमें 2 नींबू मैं लेके जा रहा हूँ अपने यहाँ को। और ये देखिए, ये है माल्टा, जिसे लोग मौसमी बोलते हैं, लेकिन ये माल्टा है। तो ये यहाँ का है विंटर फ्रूट, पूरे नींबू बहुत सारे लगे हुए हैं। नींबू से सब मिक्स करके दही और भांग के नमक के साथ बहुत अच्छे रंग से सान के उसको गर्मियों के दिन में हल्की हल्की मूली और धनिया पत्ता डाल के खाते हैं, उसको बोलते हैं आपके सानावा नींबू बोलते हैं। सो उसे खाते हैं अभी विंटर में, धूप में बैठ के बड़ा लजीज होता है।
सो गाइस ये था वीडियो पूरे उत्तराखंड के किसी भी गांव के लाइफस्टाइल का, कैसे वहां के लोग सरवाइव करते हैं और कैसे वो लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। आपने जो शेयरिंग है लाइक हैं वो कम कर दिए हैं, तो शेयरिंग मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। अगर आप पहली बार मेरा कोई ब्लॉग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि वीडियो के मेरे ब्लॉग के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।